तो गाइज ये हो जाइए तैयार फन सिटी का पार्ट 3 देखने के लिए। देखिए हमने कॉस्ट्यूम खरीदे हैं, 50 रुपये का एक कॉस्ट्यूम है और एक जोड़ा 100 रुपये का है, तो हमने 6 लिए थे और चल पड़े हैं। साथ में हमने लॉकर भी लिया 50 रुपीज़ का। अब इसको ऊपर जा रहे हैं, चेंज करेंगे कपड़ों को। ये देखिए लाइन में लगकर लेने पड़ते हैं, लेडीज़ का अलग है चेंज करने के लिए, जेंट्स का अलग। और ये सामने लॉकर हैं, 50 रुपये में मिलता है, अपना मोबाइल वगैरह आप रख सकते हैं कभी आप यहाँ पर घूमने आए तो। अपना ध्यान रखिए, कॉस्ट्यूम आप घर से लाए अभी कोई भी डाल सकते हैं। तो ये चेंजिंग रूम है, मैं अभी चेंज कर कर आती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको। हेलो गाइज, तो ये देखिए मैंने कॉस्ट्यूम चेंज कर लिया है, ये हाफ पैंट है और टी शर्ट है, यही मिलता है यहाँ पर डालने के लिए, सब लोग यहीं डालते हैं। तो मैं अपनी फैमिली का वेट कर रही हूँ, वो अलग से गए हैं चेंज करने के लिए रूम में, और अब सब आ गए थे तो अब चलते हैं आगे को। ये देखिए गाइज, छोटी सी पुलिया सी है, इसको पार करके अंदर को जाएंगे। ये वाटर पार्क है, इसमें पानी पानी है हर जगह, झरने, स्विमिंग पूल वगैरह, और डांस करने के लिए भी एक फ्लोर बनाया हुआ है, ऊपर से पानी डलता है फुहारा टाइप में, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो चलते हैं, सबसे पहले स्विमिंग पूल में जाएंगे। छोटे स्विमिंग पूल भी हैं, काफ़ी बड़े भी हैं, गर्दन तक पानी भी था, काफ़ी मज़ा आया था गाइज वहाँ पर हमें। और वहाँ पर म्यूजिक चला हुआ था डांस के लिए, इसलिए मैंने आवाज़ बाद में डाली है, इसमें पहले नहीं डाली थी क्योंकि कॉपीराइट आ जाता है, आप लोगों को तो पता ही है। ये मेरा बेटा है, तो अभी देख रहे हैं कहाँ पे जाएं कहाँ पे। और यहाँ पर अंदर खाने का भी मिलता है गाइज, पर बहुत महंगा है, आप चाहें तो घर से ला सकते हैं अपना खाने के लिए। और यहाँ की दोनों की टिकट है 1200, जो मैंने पहला पार्ट डाला है गार्डन का, उसमें झूले हैं, ये सेकंड पार्ट है, आप देखते रहिएगा। और ये देखिएगा इस घूम के मैं दिखा रही हूँ आपको, वो सामने भी ऊपर से पाइप आते हैं काफ़ी बड़े बड़े, उनमें बैठ जाओ और फिर एकदम से आओगे नीचे, पानी में आके गिरोगे। और ये देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर आए थे, ये घड़े में से पानी गिर रहा है ऊपर से, बुद्धा बैठे हुए हैं और घड़ा है साथ में, और यहाँ पे गाने बहुत अच्छे अच्छे चले हुए थे। जब पहली बार पानी में घुसे तो बहुत ज़्यादा ठंडा पानी लग रहा था गाइस। और वो देखिए सामने डांस कर रहे हैं सभी लोग, कोई भी डांस कर सकता है यहाँ पर, वहाँ पर पानी का फुहारा है। और ये देखिए ऊपर से पाइप, चार चार मंजिला, पाँच पाँच मंजिला एकदम से आते हैं ऊपर से और पानी में गिरते हैं। तो गाइस ये सबसे पहले हम यहाँ पर छोटा सा स्विमिंग पूल, इसमें नहाने के लिए आ गए थे, बहुत ज़्यादा ठंडा पानी लग रहा था पहली बार। हमने बाकी फ़ोन तो लॉकर में रख दिए थे, एक ही फ़ोन मैंने रखा था, वो भी बाद में पानी में गिर गया था, वाटर प्रूफ था तो बच गया गाइस। थोड़ी सी वीडियो बनाने के चक्कर में फ़ोन मैंने साथ ही रखा था। तो गाइस ये यहाँ पर हमने नहा रहे थे स्विमिंग पूल में, और गाना लगाया हुआ था सपना चौधरी का, तेरी आँखों का यो काजल गोरी करे से मने घायल। मैं खुद ही गा के दिखा देती हूँ, अगर वहाँ के चलाएंगे तो कॉपीराइट लग जाएगा, क्योंकि वहाँ पर गाने चेंज कर करके चला रहे थे गाइस। तो गाइस यहाँ पर काफ़ी मज़े आ रहे थे बट गाने नहीं चला पा रहे थे हम। ये देखिए सपना का डांस मैंने यहाँ पे कर दिया है, मेरी आँखियाँ का यो काजल लगा था, सभी लोग मस्ती कर रहे थे। देखिए दूसरे लोग भी आए हुए थे वहाँ पर और डांस कर रहे थे फुल मस्ती में, काफ़ी अच्छा लग रहा था वहाँ पर, सबको मज़े आ रहे थे, क्योंकि जितनी टिकट वहाँ पे लगती है उसको बुनाना भी होता है नाच गा कर डांस करके। बिल्कुल छोटी सी क्लिप मैंने गाने की डाली है, डांस देख लीजिए कौन सा गाना था। तो गाइस जब हम अंदर को गए तो काफ़ी बड़े बड़े स्विमिंग पूल थे, और यहाँ पर देखिए सिर्फ पैरों तक ही पानी था, इसमें काफ़ी ज़्यादा मज़े आ रहे थे। वहाँ पे जो अंदर जो स्विमिंग पूल है उसमें काफ़ी गर्दन तक पानी था, और इसी में ज़्यादातर लोग नहा रहे थे, उन जिनको पानी से डर लगता है मेरे जैसे थे काफ़ी सारे, तो हम यहीं पर काफ़ी देर तक इंजॉय किया। ये मेरा बेटा है देखिए साथ में, यही लेके गया था हमें, बोलता था मम्मा घुमा के लाओ घुमा के लाओ, इसी के साथ ही हम भी निकल गए थे बहाने से, बच्चों के बहाने से घूम लेते हैं। इधर घूमने के बाद अब चले हैं आगे, आगे दिखाती हूँ मैं आपको, काफ़ी अच्छे अच्छे झूले हैं।
तो गाइज यहाँ पर ये झरना टाइप बना रखा है, ऊपर से पानी गिरता है। और यहाँ पे काफ़ी अच्छे अच्छे गाने लगाए थे, छोटा सा गाना मैंने दिखाया था सिर्फ, क्योंकि कॉपीराइट आ जाता है। ये देखिए ऊपर से ये पिचकारी टाइप से लगा रखा है, गोल गोल घेरा बनाकर, और इसी से पानी गिरता है। और यहाँ पर मतलब गर्मी में आ जाओ तो गर्मी भी नहीं लगती है नहाकर अच्छे से। उसके बाद शावर लेने के लिए भी है, वहाँ पर टैप लगे हुए, वहाँ पर हमने अच्छी तरह से शावर लिया था। इसके बाद बीच में हमने खाना खाया था, उसकी क्लिप मैंने नहीं बनाई थी गाइज। यहाँ पर चावल राजमा लिए थे, बहुत ज़्यादा महंगे थे। और ये देखिए सामने कितना सुंदर नज़ारा है स्विमिंग पूल का, यहाँ पर डिजाइन डिजाइन बना रखे, पता नहीं क्या क्या, मुझे तो बताने भी नहीं आ रहे। और अब हम ऊपर जा रहे हैं, ऊपर से ये जो स्लाइड होती है इसमें से आकर हम नीचे गिरेंगे एकदम से। मुझे तो डर लग रहा था, अभी ये दो ही मंजिल है, काफ़ी पाँच पाँच छः छः मंजिल पर भी गए थे, मैं नहीं गई थी बट मैं इसी पे गई थी और एक दो झूलों पर और गई थी गाइज। और इस पर मैं गई थी और इस पर मैं सेकंड बार गई थी तो मेरा फ़ोन भी पानी में गिर गया था, बड़ी मुश्किल से बचा, वाटरप्रूफ था तो बच गया। इसकी कहानी मैं वीडियो के लास्ट में बताऊँगी, आप देख लेना कैसे गिरा था। और ये सिक्योरिटी गार्ड भी खड़े कर रखे हैं कि कोई दुर्घटना हो जाए तो बचा लें, इन पता नहीं क्या बचाएंगे हमें। मेरा फ़ोन गिरा था, मैं भी गिर गई थी, मुझे तो बचाया नहीं था इन्होंने। तो गाइस ये सबसे पहला झूला है और मेरी ज़िंदगी का ही सबसे पहला झूला है। मैं झूलों में वैसे भी नहीं बैठती हूँ, ये इसमें मैं बैठ गई थी, बाबू ने बिठा दिया था ज़बरदस्ती कि मम्मा आप भी बैठ जाओ। तो ये छोटा सा ही था, दो मंजिल का ही, और इसी में भी जी घबरा गया था, डर गई थी मैं एकदम से। ये देखिए फिसलते हुए आ रहे हैं ऊपर से, काफ़ी चौड़ा है ये वैसे तो, पर एकदम से ऊपर से आते हैं ना तो गुदगुदी सी होती है तो मज़ा तो बहुत आया था। अब ये मैं आ गई सबसे नीचे, अभी चलेंगे किसी नेक्स्ट झूले में। ये सामने देखिए गाइस झुग्गियाँ वगैरह झोपड़ी टाइप बना हुआ है, वहाँ पर बैठ जाओ, चाय पानी कुछ पी लो। और ये देखिए पुल, इस वाले पुल में भी बहुत कम पानी था, इसमें तो बिल्कुल ही एक फुट पानी भी नहीं था इसमें तो, मतलब बच्चे बड़ी मस्ती कर रहे थे इसमें। ये देखिए यहाँ से ऊपर चले जाओ और बिल्कुल छोटे छोटे वो देखिए सामने दिख रहे हैं, उसमें से फिसल कर नीचे आ जाओ। ये इधर रेड है जो झूला, बिल्कुल छोटे छोटे ही थे, जो बिल्कुल ही मेरे जैसा डरपोक है वो यहाँ पे झूल लो। ये देखिए हम आए हैं अभी झूलने के लिए, मुझे ज़बरदस्ती लाया जा रहा है। और ये झूला गाइज कम से कम भी पता नहीं तीन चार मंजिला का था। तो गाइज इस झूले में मैं दोबारा झूलने के लिए आई थी, एक बार तो मैं अभी झूल ली हूँ। ये भी काफ़ी ऊंचा था, तीन चार मंजिला का नहीं था, दो मंजिल का था ये आराम से। तो गाइस फन सिटी से आ गए घर पे और कपड़े चेंज कर लिए, और आज वो हो रहा है सिर ज़्यादा दुखने लग गया, मुझे तो उड़ाए मेरा जो आई थी जद का ही दुख है, थोड़ा थोड़ा दुख था बाबू। वाटर पार्क में बहुत ज्यादा मुझे आई ना मेरे बाबू ने, आपने तो कुछ स्लाइड ही नहीं ली पर आपको क्या मिला बाबू, दो तीन तो मैंने घूमी, पानी में नहाई मैं, पानी में तैरी उड़ा, पानी में कौन उसमें स्विमिंग पूल में पहले भी, और वो बुढ़ा सा पानी लिख रहा था उसमें, और दो तो था ऊपर भी ले गया उन्हें। हाँ मुझे आए भाई सही में, गाइस आ जाना है आप भी, बस और के बनानी ये फोन तो आज पानी में गिर गया था बाबू, ऊपर तो आई मैं बोलू गाई बोली बीच में से जाना, अब की बार साइडों से मुझे नहीं आते, मैं बीच में था, पहले तो मैं सीधी आई, फिर मैं पानी का मैं गिरी, फिर स्टिक में थैली कट का फोन गिर गया, फोन पानी का मैं, मेरे पैर का नीचा, मैंने गुरु किस तरह उठाऊ किस तरह उठाऊ, पैर पता पैर हट गया, फोन पता भाई मेरा। और फिर अपना जल्दी सी मैं भाई मैं नाक बंद करके जब तक फोन, और फोन भी ना हाथ नूनू वाला बाबू पानी में नूनी जल्दी सी थे, फिर फोन लेके ऊपर आई,
हाँ 2 मिनट और होता तो मेरा फोन वाटर प्रूफ था तो बच गया। तो गाइज घर आने वाला था, इससे पहले हमने यहाँ पर बैठकर खाना खाया था, बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी और सर भी दिख रहा था भूख से। तो अब हमारी जर्नी हुई ख़त्म, मिलते हैं।